फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई वो मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा रॉक्स बंगाल T20 लीग का 1 घंटे 9 मिनट बाद TOC वर्सेस KSC के बीच। आपको बता दूं इस मैच की फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी। इस मैच की मैं आपको फाइनल टीम पोस्ट करूंगा अपने इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो ग्रुप का नाम ध्यान से देख लो कि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, ये हम चलते हैं भाई नीचे की ओर। ये हैं प्रीवियस मैचेस के कुछ स्क्रीनशॉट जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए थे। प्रीवियस मैचेस बहुत ज़बरदस्त गए हैं और अभी ये क्लीन स्वीप लगने वाली है। ये रही मेरी टीम, आके देख सकते हो। तो बात करूँ अगर मैं इस मैच की, इसमें आपको एक बात का खासकर ध्यान क्या रखना है जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, बॉलिंग साइड। इस मैच में बॉलिंग और बैटिंग बहुत ज़ोरदार रहने वाली है दोनों साइड से, लेकिन बैटिंग में थोड़ा डाउन आएगा। मतलब अगर 70% बॉलिंग चलेगी तो 30% बैटिंग भी चलेगी। तो बात करूँ विकेट कीपर की तो जी बासू को पहले मैंने ड्रॉप कर दिया था, लेकिन मेरे पास काफ़ी क्रेडिट सेव थे। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास 5.5 क्रेडिट बचे हैं, तो मैंने इसको दोबारा से ट्राई कर लिया। एक्चुअली क्या था, जी बासू की जगह आप चाहो तो एक साइड का बॉलर ले सकते हो, जैसे कि हो गया एस दत्ता एंड आगे आपके और प्लेयर हो गए एस मंडल एंड और अलग अलग प्लेयर्स एम दास हो गया, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। लेकिन क्या है कि जी बासू को मैंने इसलिए ट्राई किया बिकॉज ये भाइयों अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, एक्चुअली ये ना टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, अगर ये अच्छा करता है और हमारी टीम में ना हुआ तो हमें भयंकर लॉस झेलना पड़ेगा 4 मेंबर में भी और हेड टू हेड में भी। इसलिए मैं आपको यही राय दूंगा दैट गो विद जी बासू। एंड आगे से बात करूँ यहाँ से मैं लूँगा सुदीप चैटर्जी को। सुदीप चैटर्जी की फॉर्म थोड़ी बिगड़ गई है, पिछले मैचेस में तो ये बंदा इतना ज़बरदस्त फॉर्म में आ गया था, ऐसा लगता था कि ये आउट हुआ तो टीम में इनकी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन ये बंदे की हाफ सेंचुरीज मैंने खुद देखी हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा फॉर्म बिगड़ गई है। प्रीवियस 3 मैचेस में लिटिल बिट फ्लॉप हो रहा है प्लेयर, लेकिन आज शायद वापसी करेगा। बात करूँ बैट्समैन की तो आगे नीचे से लूँगा टॉप का प्लेयर के जुनेद सफ़ी, जो कि अपनी टीम से ओपनर आता है। ग्रैंड लीग के लिए वाइस कैप्टन के लिए बहुत अच्छी पिक है, क्योंकि पिछले मैच में इन्होंने क्या करा, एक प्लेयर है एस उद्दीन मंडल, इस बंदे को भेज दिया ओपनर भेज दिया इन्होंने, या फिर वन डाउन भेजा था। मंडल टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, एक्चुअली बड़े बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करके कल इन्होंने छोटे प्लेयर्स को मौका दिया और छोटे प्लेयर्स अच्छा भी करके गए, ऐसा नहीं कि बुरा किया। एंड भाइयों आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की, पहले ये ऑलराउंडर सेक्शन में था शुभम चैटर्जी, लेकिन ये बॉलिंग नहीं कराता इस कारण इसको बैटिंग सेक्शन में डाल दिया गया है। तो इसकी इकॉनमी रेट वैसे ना बेकार जा रही थी, इन्होंने इसलिए इसको बॉलिंग देना बंद ही कर दिया। पिछले सीजन में इसको बॉलिंग मिली थी, इस सीज़न में इसने एक ओवर भी नहीं डाला, तो वही है अच्छा किया इन्होंने, क्योंकि अगर बंदे का एक साइड ध्यान होगा तो बढ़िया रहेगा। एंड आगे से बात करूँ जैसे कि जे बासू की, तो जे बासू आज फॉर्म में दिख सकता है मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जे बासू 2-3 बार से ना बीच बीच में फ्लॉप हो जाता है। वो तो सारे प्लेयर्स होते हैं, भले इंटरनेशनल लीग हो जो मर्जी लीग, लेकिन ये प्लेयर आज थोड़ा मेरे को लग रहा है कि चल सकता है इस बॉलिंग के खिलाफ। तो आगे से बात करूँ ऑलराउंडर्स की, तो एम कैफ जबरदस्त कैप्टन, इस बंदे की बैटिंग से मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद इस बंदे की बैटिंग, लेकिन इसकी बॉलिंग आह भाइयों, हर मैच में अपने नाम है इस बंदे ने 1 से 2 विकेट करनी ही करनी है, और तभी ये मेरे लिए कैप्टन के लिए मैंने आपको बोला है। ज़बरदस्त प्लेयर है ऑल ओवर, आप ज़्यादा जनता का तो नहीं कह सकता, हेड टू हेड में भी ये काफ़ी लोगों का कैप्टन रहने वाला है, तो बहुत बढ़िया प्लेयर है, विकेट लेता ही लेता है। अगर बहुत मैंने देखा है कि इसको ज़्यादातर विकेट लेता ही देखता हूँ। एंड आगे से बात करूँ ए गानी की, पिछले मैच में काफ़ी लोगों ने ए गानी को नहीं लिया, मैंने आपको बार बार बोला था गानी ले लो, लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला छोड़ दो। 49% सिलेक्शन और गानी के 136 पॉइंट्स, ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन बन चुका है, 4 रन पर आउट हुआ लेकिन 4 विकेट्स ले गया, और आज के लिए वाइस कैप्टन के लिए बहुत ज़बरदस्त पिक है, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा इसको ट्राई करना। आगे से बात करूँ भाई बॉलर की, तो ए अंसारी इज़ अ नॉर्मल बॉलर, शुरू में इस बंदे ने काफ़ी नाम कमाया कि बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, लेकिन मेरे को शुरू से इसकी इकॉनमी रेट थोड़ी बेकार लगती थी, लेकिन प्लेयर तो बहुत बढ़िया, मतलब विकेट जो प्लेयर ले रहा है उसकी इकॉनमी रेट कोई मायने नहीं रखती। तो अंसारी भाइयों आज के मैच के लिए आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। साहा की बात करूँ, ए साहा जो कि वाइस कैप्टन के लिए जो बहुत ही ज़बरदस्त पिक है, एक हो गया ए साहा, एक हो गया ए गानी, तो दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे साहा पे भी बहुत मतलब इस लगता है कि हाँ भाई ये विकेट लेगा। आगे से बात करूँ एक और प्लेयर की जिसका नाम है अर्तिरा चैटर्जी, लगातार हर मैच में विकेट ले रहा है, शुरू में स्टार्टिंग इसकी बीच में बेकार हो गई थी, लेकिन उस बंदे ने फिर फॉर्म पकड़ लिया है। एंड आगे से बात करूँ एक और प्लेयर जिसका नाम है ए कुलिया, काफ़ी लोग इसकी जगह ट्राई करेंगे एस मंडल को, यार मैं नहीं ट्राई करता क्योंकि मुझे उसकी इकॉनमी रेट नहीं पसंद, इसकी इकॉनमी रेट से लेकर विकेट टेकर बहुत बड़ा है अपनी टीम का। तो बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन रहेगा मेरा MKF एंड वाइस कैप्टन ए गानी। तो मिलता हूँ भाई अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय।